वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे कि आलू की टिक्की कैसे बनाते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। पहले आपको चाहिए होंगे मैश्ड आलू, बॉईल करके मैंने ऑलरेडी मैश कर लिए हैं आलू, लहसुन, अदरक, सॉसेस, कटी हुई मिर्च, ऑनियन कटे हुए, जीरा, तेल या घी अपने अकॉर्डिंग, नमक, आपकी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी अगर आप यूज करना चाहते हैं तो। बाकी मैं मैदा यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी यूज कर सकते हैं। तो इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ कि अब हमने बैटर कैसे रेडी करना है। ये मैं ऑलरेडी मैश कर चुकी हूँ आलू पहले से ही, ठीक है। अब हम इसमें जो भी है बाकी सारे मसाला मिक्स करेंगे, थोड़ी सी लहसुन, थोड़ी सी अदरक, ये टेस्ट देती है इसलिए यूज कर रहे हैं, थोड़ी सी आप हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, हरी मिर्च, जितना तीखा करना चाहते हो उतना आप यूज कर सकते हैं, नमक स्वाद अनुसार, प्याज, प्याज आप लोग चाहें तो पेस्ट भी यूज कर सकते हैं, और जीरा, जीरा अच्छा टेस्ट देता है इसलिए मैं जीरा डाल रही हूँ। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें आपने थोड़ी सी मैदा या कॉर्नफ्लोर भी डाल लेनी है, ज्यादा नहीं, एक या दो चम्मच के अकॉर्डिंग, जिससे कि ये थोड़ा सा पेड़ा बनने के लिए स्टिक ना रहे, ताकि इजीली पेड़ा बन सके इसका। अगर आप कॉर्नफ्लोर या मैदा नहीं यूज कर रहे हैं तो पेड़ा इजीली नहीं बनेगा, ये प्रॉब्लम है। देखिए, अब देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है ये। देखिए अभी मैश्ड हो चुका है ऑलरेडी। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आटा इस तरह से लेके इसका पेड़ा बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। अगर नहीं पेड़ा बन रहा हो तो आप थोड़ा सा आटा या मैदा यूज कर लें इस तरह से, फिर इसको आपने इस तरह से कर लेना है हल्का हल्का रोटी की शेप में। देखिए अब मैं 1 टेबलस्पून तेल डाल ले रही हूँ इसमें तवे पे। जब तक ये गर्म होता है मैं एक और पेड़ा बना लेती हूँ इस तरह से। ये देखिए अब मैं पेड़ा बना रही हूँ, ये देखिए जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए उसमें आपने अभी ये सेक लेने हैं इस तरह से। अब हम देखेंगे इसे पलट के कि ये देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसी तरह से आपको इन्हें दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कर लेना है, ठीक है। आप लोग जो जैसे मर्जी चाहें, थोड़ा ज्यादा भी यूज कर सकते हैं, मैंने थोड़ा कम यूज किया है। जब ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो आप इसे निकाल सकते हैं। अभी बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुकी है दोनों साइड से, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। देखिए आपकी बिल्कुल रेडी है, जितनी कुरकुरी आप चाहें आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। मैंने अच्छे से सजा देते हैं, ये आप खा सकते हैं। ये आप खा सकते हैं चटनी के साथ और छोले के साथ भी। सो कैसी लगी आपको ये हमारी रेसिपी हमें जरूर बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सजेशन भी जरूर लिखें। थैंक यू सो मच।